खबर हांडिया प्रयागराज से, जहां हांडिया थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में दो मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पुलिस ने तीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं जब इसकी सूचना बच्चों के परिवार वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। दोनों परिवार के लोग तालाब के पास पहुंचकर बच्चों को निकालने का प्रयास किया। हालांकि इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों का शव बाहर निकलवाया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार वालों ने दहाड़े मारकर रो रो कर बताया कि गाँव के ही कुछ लोगों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए बच्चे को तालाब में ढकेल कर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में SP गंगवार धवल जायसवाल ने बताया कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जिगर के टुकड़े दो मासूम की हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या है पूरा प्रकरण? ये ग्राम बरौद थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दो बच्चों की तालाब में गिरने से मृत्यु हो गई है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा मौका का मुआयना किया गया है। परिजनों का यह आरोप है कि तीन व्यक्ति जिनका नाम समरजीत यादव, अमरजीत यादव और राहुल यादव ने बच्चों को तालाब में धक्का दे दिया है। परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त तीन टीमें लगाई गई है जो अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेगी और घटना का शीघ्र ही सफलपूर्वक अनावरण किया जाएगा। धन्यवाद।